हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल सीसीआई विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है ऊर्जा उपापचय से, एनर्जी मेटाबॉलिज्म से है। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो चलते हैं। यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि ऊर्जा उपापचय या एनर्जी मेटाबॉलिज्म क्या होता है। आप लोग का डिमांड था उपापचय से क्वेश्चन लाने का, तो हमने वन लाइनर क्वेश्चन लाया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ऊर्जा उपापचय यह कहता है कि जैसे कि हम कोई एक इंसान है, अगर वह क्या है कि भोजन करता है, तो उसे भोजन से एनर्जी मिलती है। कार्य करने के लिए, प्रतिक्रिया करने के लिए, उसे क्या है एक्टिविटी करने के लिए उसको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह ठीक, अगर एग्जांपल दे तो जैसे कि मशीन है, एक मशीन को चलाया जाए तो उसे फ्यूल या ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक उसी प्रकार एक इंसान को चलने के लिए उसे ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। वह भोजन करेगा तभी चलेगा, तभी जीवित रहेगा, उसे एनर्जी तभी मिलेगा। तो जैसे है कि अगर मशीन चल रही है, अगर उसे हम रोक देते हैं फिर, तब क्या होता है कि उसका जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो फ्यूल है, वो बच जाएगा, वहाँ पर वह रुक जाएगा। लेकिन जब इंसान है, वह क्या कार्य क्रिया करे या ना करे, वो तो अगर कार्य हो रहा है तो एनर्जी लॉस होता ही है। उसके दौरान अगर वह सोया हुआ व्यक्ति है या बैठा हुआ या बात कर रहा है, फिर भी उसका एनर्जी लॉस होता रहता है। कम होगा लेकिन उसका ऊर्जा लॉस होगा, मतलब ख़त्म होता रहता है। तो क्या है कि इसमें एक मानव शरीर को चलाने के लिए उसे ऊर्जा की क्या है बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो चलते हैं अब इसके बारे में, हम इससे कुछ टॉपिक है, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से आया है, किसने लाया है और कौन से मीटर का प्रयोग किया गया है, कैलोरी मीटर क्या होता है, जूल क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उपवास में क्या होता है, हमारा BMR घटता है या बढ़ता है या सामान्य रहता है, और या हाइपोथायराइड में अगर है तो उसमें क्या होता है, हमारा BMR बढ़ता है या घटता है, इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि श्वसन कैलोरीमीटर यंत्र का आविष्कार किस सन में किया गया था। तो किस सन में किया गया था, 1966 ईस्वी में किया गया था। इसके द्वारा किया गया था, तो पेंटेन, कोफर तथा वाइट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो पेंटेन, कोफर तथा वाइट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेवोइजियर कहाँ के वैज्ञानिक थे, या फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक थे जो इन्होंने श्वसन कैलोरीमीटर यंत्र का आविष्कार किया था। तो किसने किया था, 1966 ईस्वी में किया गया था, पेंटेन, कोफर तथा वाइट ने किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषण विज्ञान की खोज किस सदी में की गई थी। पोषण विज्ञान की जो खोज की गई थी, तो किस सदी में की गई थी, तो 18वीं सदी में की गई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम गेहूं से प्राप्त ऊर्जा क्या होगी। अगर 1 ग्राम गेहूं है तो उससे कितना मुझे किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो 1 ग्राम गेहूं में हमें 3.6 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलो कैलोरी क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि किलो कैलोरी क्या होता है। तो एक किलोग्राम पानी का तापमान, ठीक से आप लोग समझिएगा इसे, 1 किलोग्राम पानी का तापमान अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा का प्रयोग, मतलब जितना ऊष्मा लगता है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, जो ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, उस ताप को हम क्या है कि उस ताप की मात्रा को हम किलो कैलोरी कहेंगे। तो यहाँ पे होगा कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम पानी है, और वो 1000 ग्राम पानी का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस हम बढ़ाएंगे, उससे ऊष्मा जो उत्पन्न हो रहा है उस ताप की मात्रा हम क्या कहेंगे, किलो कैलोरी कहेंगे। वह जो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो ताप या ऊष्मा बन रहा है, उसी का अगर हम मात्रा किया जाए या मेजर किया जाए तो वह किलो कैलोरी में आएगा, तो उसे ही हम किलो कैलोरी कहेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलोरी मापने के लिए
मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? कैलोरी मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो कैलोरी मीटर कहते हैं, कैलोरी के साथ मीटर, कैलोरी मीटर कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूल क्या है? तो जूल क्या है? एक न्यूटन बल से एक किलोग्राम वस्तु को क्या कहा गया? एक न्यूटन बल से एक किलोग्राम वस्तु को एक मीटर की दूरी तक चलने के लिए क्या है? एक न्यूटन बल एक किलोग्राम वस्तु है, जैसे एक किलोग्राम वस्तु है और उसे एक मीटर दूरी तय करना है। जब एक मीटर दूरी जो तय कर रहा है, अगर कि एक किलोग्राम का वस्तु है और वह एक किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, उसमें जो लगा हुआ व्यय उष्मा है, ऊर्जा है, जो उससे क्या हो रहा है, जो एक किलोमीटर दूरी तय कर रहा है उसमें जो व्यय ऊर्जा हो रहा है वह एक जूल के बराबर होता है। एक किलो वजन है जो उसमें न्यूटन बल लग रहा है, उसमें क्या होता है, एक किलो वस्तु है, एक किलो का वस्तु है और एक मीटर दूरी तय कर रहा है। एक मीटर दूरी तय करने में जो हमारी ऊष्मा व्यय होती है, जो हमारी ऊर्जा लगती है वह एक जूल के बराबर होती है। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि एक किलो कैलोरी बराबर, अगर हम कहें कि एक किलो कैलोरी बराबर कितना होता है जूल, एक किलो कैलोरी बराबर 4.186 किलो जूल होता है। क्या है यहाँ पे? 4.186 किलो जूल होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पे। आगे नेक्स्ट टॉपिक है अवशोषित भाग। जैसे कि यहाँ पे अवशोषित भाग बताया गया है कि वसा, कार्बोज, प्रोटीन। अगर हम कोई भी चीज़ भोज्य पदार्थ अगर हम इंटेक कर रहे हैं तो जैसे कि इसमें क्या होता है, वसा क्या होता है, हमारे शरीर में 95% ऑब्जर्व होता है और कार्बोज कितना ऑब्जर्व होता है, 98% ऑब्जर्व होता है और जो प्रोटीन होता है 92% ऑब्जर्व होता है। शेष क्या है कि वसा में जो हमारा 5% बच रहा है वो व्यय हो जाता है, क्या है, विसर्जित हो जाता है। आगे है आपका कार्बोज जो भी है वह क्या है कि क्या होता है, अवशिष्ट हो जाता है, जो कि क्या कहेंगे इसे कि आपके इसमें 2% कार्बोज बचेगा वह हमारे अवशोषण के बाद, अगर 98% का अवशोषण होता है 2% का क्या होता है, व्यय हो जाता है। और प्रोटीन भी क्या होता है कि 92% का अवशोषण होता है और यहाँ पर 8% का व्यय हो जाता है। आगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम समझ लेते हैं कि 2% कार्बोज, 5% वसा और 8% प्रोटीन का भाग पाचन के बाद नष्ट हो जाता है। यहाँ अवशोषित भाग अगर हम कोई भी चीज़ भोज्य पदार्थ लेते हैं तो वसा, कार्बोज, प्रोटीन कितने परसेंट ग्रहण करता है, कितने परसेंट ऑब्जर्व करता है। तो वसा कितना है, तो वसा है हमारा 95%, कार्बोज 98% और प्रोटीन हमारा 92%। और इसमें जो मेरा वेस्ट मटेरियल में जा रहा है वो क्या है कि 2% कार्बोज, 5% वसा और 8% प्रोटीन क्या होता है कि पाचन के बाद क्या होता है, यह हमारा नष्ट हो जाता है। देखिए आगे नोट में भी बताया गया है कि इस नोट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। यदि भोज्य पदार्थ को सुखाकर पानी की मात्रा कम कर दी जाए तो उनका कैलोरी मूल्य बढ़ जाता है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि अगर हम जैसे कि कोई भी फल लेते हैं, अगर फल मेरा ताज़ा है तो उसमें क्या है, जो हमारी कैलोरी मूल्य होती है कम मात्रा में होती है। लेकिन वही चीज़ को अगर हम सुखा दें, जैसे नारियल है, हम एक एग्जाम्पल में लेते हैं कि नारियल है, आलू है या शकरकंद है, केला है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि हम नारियल को लेते हैं, अगर वह पानीदार है तो क्या है, उसकी कैलोरी मूल्य कम है, लेकिन वह सूखा एक नारियल आप खाएंगे तो उसमें कैलोरी मूल्य ज़्यादा मिलेगा आपको। तो आलू भी है, शकरकंद है और केला भी यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्खन में वसा के साथ जल की मात्रा कितनी होती है। मक्खन में वसा के साथ जल की मात्रा कितनी होती है, तो 20-25% हमारे मक्खन में वसा के साथ जल की मात्रा होती है। मक्खन में अगर किलो कैलोरी की बात की जाए तो अगर 100 ग्राम हमारा मक्खन है तो 729 किलो कैलोरी हमें मिलता है। कितना? 729 किलो कैलोरी 100 ग्राम में मुझे मिलता है।
100 ग्राम हमारा मक्खन है उसमें मुझे किलो कैलोरी कितना मिलेगा, 729%। किलो कैलोरी, यहाँ पे परसेंट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे अगर 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में हमको 729 किलो कैलोरी मिलेगा। परसेंट नहीं है, किलो कैलोरी की बात कही गई है। आगे घी में है, घी का देख लेते हैं। तो यहाँ पे 100 ग्राम हमारा क्या है, घी है। 100 ग्राम हम घी लेते हैं तो मुझे उससे कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो क्या है 828 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है। आगे क्वेश्चन चलते हैं कि 100 ग्राम सूजी से निर्मित व्यंजन हलवा का ऊर्जा मूल्य, अगर हम 100 ग्राम सूजी लिए हैं उससे बनाए हैं हलवा, अगर हम उससे हलवा उससे क्या है सूजी से अगर हलवा बनाएं, वह एक तरह का व्यंजन है, उसका हमें मूल्य कितना मिलेगा, तो 998 किलो कैलोरी मिलेगा। 100 ग्राम अगर सूजी है उसका हम एक तरह से व्यंजन हलवा बनाया है उसमें हमें कितना मूल्य मिलेगा, तो 998 किलो कैलोरी मिलेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक केले का ऊर्जा मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है, तो किसके माध्यम से ज्ञात करते हैं, तो रासायनिक विश्लेषण से हम ज्ञात करते हैं कि एक केले का ऊर्जा मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें रासायनिक विश्लेषण यंत्र की ज़रूरत पड़ती है। आगे है कि प्रश्न है कि 100 ग्राम केले में हमको अगर हम 100 ग्राम केला लिए हैं तो उसमें कितना किलो कैलोरी प्राप्त ऊर्जा होगा, तो यहाँ पे है 116 किलो कैलोरी, कितना है 116 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। आगे है कि उसमें प्रोटीन कितना होगा, वसा कितना होगा और कार्बोज कितना होगा। 100 ग्राम केले में मुझे तो यहाँ पे ऊर्जा की मात्रा पता चल गई 116 किलो कैलोरी, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए प्रोटीन और वसा और कार्बोज की, तो प्रोटीन कितना मिलता है 1.2 ग्राम प्रोटीन, 0.3 ग्राम वसा और क्या है 27.2 ग्राम कार्बोज हमें यहाँ से 100 ग्राम केले में मिलेगा। आगे चलते हैं नेट क्वेश्चन की ओर। आगे नया क्वेश्चन है कि चयापचय क्या है, चयापचय क्या है, तो शरीर में भोज्य पदार्थ के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को चयापचय कहते हैं। जैसे हमने भोजन इंटेक किया उसका पाचन हो रहा है, जैसे वो क्या होता है टूटता है और फिर उसके बाद पाचन होता है, और फिर यहाँ पे नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया, जैसे क्या होता है कि यहाँ पे शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया जब यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होती है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती, चयापचय। अगर हम भोजन कर रहे हैं तो उसके बाद क्या होता है एक तरह से वह टूटता है, उसमें एक नए पदार्थों के निर्माण होते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, वही उन्हीं की जो प्रक्रियाएँ वह क्या चयापचय कहलाते हैं। आगे है कि चयापचय की दो क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं चयापचय के दौरान, तो हमारा कैटाबॉलिज्म होता है और एनाबॉलिज्म होता है, अपचय होता है और उपचय होता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि अपचय क्या है और उपचय क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है और एनाबॉलिज्म क्या है। तो पहले देख लेते हैं कि कैटाबॉलिज्म क्या है, तो कैटाबॉलिज्म क्या है कि भोज्य पदार्थ के टूटने और विभक्त होने की क्रिया जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ अपने सबसे सरलतम रूप में टूट जाता है। इसमें बताया गया है कि भोज्य पदार्थ के टूटने और विभक्त होने की क्रिया, कोई मतलब भोजन हो रहा किया जा रहा है तो उसमें क्या है टूटने और अलगाव होने की जो क्रिया हो रही है भोज्य पदार्थ में सबसे सरलतम रूप में टूट जाता है, वही अपचय कहलाता है। अगर हम भोजन इंटेक किए हैं तो उसमें जो टूटने और विभक्त होने, छोटे छोटे कण में टूटने और विभक्त होने की जो सरलतम रूप में क्रियाएं होती हैं टूटती हैं वह अपचय के अंतर्गत आते हैं, क्या है वह कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत आते हैं। और उपचय की बात की जाए एनाबॉलिज्म, तो शरीर में निर्माणकारी क्रियाओं, इसमें क्या होता है कि शरीर में निर्माणकारी क्रियाएँ होती हैं, जैसे कौन कौन सी क्रिया होती है, मांसपेशी तंतु का निर्माण, रक्त का बनना, ग्लाइकोजन का निर्माण,
दांतों की मजबूती आदि का विकास नए पदार्थ के बनने की प्रक्रिया के उपचय कहते हैं। उपचय हमारा एनाबोलिज्म क्या करता है, यह इसकी क्रियाएं होती हैं कि शरीर के निर्माणकारी क्रियाओं को मजबूती देना या उन्हें क्या है एक तरह से सुरक्षा प्रदान करना। तो इसमें क्या है कि मांसपेशियों के विकास या तंतु का निर्माण हो रहा है और रक्त का निर्माण हो रहा है, ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है, दांतों के निर्माण में, इन सभी के विकास में यह क्या करता है एनाबोलिज्म अपना योगदान देता है, सहयोग देता है। यह उपचय के अंतर्गत आता है जिसे एनाबोलिज्म कहते हैं। अब इसके फार्मूले को देखते हैं कि अगर उपापचय कैसे बना है, तो अपचय प्लस उपचय से हमारा मेटाबॉलिज्म कार्य करता है। कैसे? अपचय की क्रियाएं होती है कि जो भोज्य पदार्थ हम लेते हैं और भोज्य पदार्थ लेने के बाद जो हमारे छोटे छोटे रूपों में विभक्त होते हैं, छोटे छोटे कणों में टूटते हैं, एक सरलता रूप में टूटते हैं, वो हमारा कैटाबॉलिज्म कहलाता है। और जो उपचय है एनाबोलिज्म होता है, यह हमारे शरीर में जितने कार्य क्रियाएँ जैसे निर्माण हो रहा है मांसपेशी का या तंतु का, रक्त का बनना या ग्लाइकोजन का निर्माण, इन सब में सहयोग प्रदान करता है। तो इन दोनों से क्या है अपचय प्लस उपचय से हमारा मेटाबॉलिज्म उपापचय की क्रियाएँ होती हैं। आगे देख लेते हैं कि जो प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, अपचय प्लस उपचय दोनों होता है, लेकिन जो शैशवावस्था में होता है सिर्फ उपचय की क्रियाएं होती हैं, वह भी कितने साल में, 1 से 2 वर्ष की अवस्था में जो शैशवावस्था होता है उसमें, उस अवस्था में बस उपचय की क्रियाएं होती। उपचय में क्रियाएं में क्या भी हम बताएं हैं यहाँ पे कि जैसे कि शरीर में अंगों का निर्माण, इसमें क्या है कि जो हमारे तंतु का निर्माण हो गया, रक्त का बनना, ग्लाइकोजन का निर्माण, इन सभी में मजबूती प्रदान करना, उन सबका विकास करना, यह सब भी कब होते हैं तो शैशवावस्था में। इसीलिए हमारा क्या है कि उपचय की जो क्रियाएं हैं वह शैशवावस्था में देखने को मिलता है, वह 1 से 2 वर्ष के बीच में। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब उसी से है कि प्रौढ़ावस्था हो गया, शैशवावस्था हो गया और वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था में सिर्फ किसकी क्रियाएं होती हैं, तो कैटाबॉलिज्म की होती हैं, अपचय की क्रियाएं होती हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो भी भोजन इंटेक करते हैं, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें छोटे छोटे रूपों में विभक्त होने या टूटने का जो सरलतम रूप होता है वह हमारा अपचय के अंतर्गत कहलाता है, जैसे कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है। अब आगे देख लेते हैं पॉइंट, आगे पॉइंट है कि शैशवावस्था 1 से 2 वर्ष की मानी जाती है, तो उसमें क्या होता है कि बीएमआर अधिक होता है या कम होता है, तो शैशवावस्था में बीएमआर हमारा अधिक होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों में स्त्री की अपेक्षा बीएमआर कितना अधिक रहता है, तो इसमें कितने परसेंट की अधिकता बताई गई है पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा, मतलब स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में, तो 6 से 10% क्या होती है बीएमआर अधिक होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति का बीएमआर कितना परसेंट बढ़ जाता है, तो 4% बढ़ता है उसके सामान्य स्थिति से बीएमआर के, अगर शारीरिक कार्य कर रहा है तो उसके बाद क्या होता है 4% को उसके बीएमआर में बढ़ोतरी हो जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के व्यक्ति के शरीर का तापमान अगर 106 डिग्री फारेनहाइट हो जाता है तो उसके बीएमआर की गति में वृद्धि होता है, तो कितनी परसेंट की वृद्धि होता है, तो 35 से 40% की वृद्धि हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के श्रावण से, क्या है थायरॉक्सिन हार्मोन के श्रावण से बीएमआर की स्थिति क्या होती है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन के श्रावण से बीएमआर की स्थिति ही बढ़ जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपोथायराइडिज्म की स्थिति में बीएमआर कितने परसेंट की कमी आती है, तो 30% की कमी आ जाती है। हाइपोथायराइडिज्म की अगर स्थिति होती है, बढ़ जाने से क्या होती है कि हमारा बीएमआर में कमी आ जाए, हमारे बीएमआर में कमी आ जाती है, तो 30% की कमी आती है। तो एड्रेनलिन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्रेनलिन की अधिकता से क्या होता है बीएमआर बढ़ जाता है, क्या होता है बीएमआर यहाँ पे बढ़ जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निद्रा की स्थिति में बीएमआर की गति कैसी होती है, तो 5 से 10% कम हो जाती है, कितना हो जाता है 5 से 10% कम होता है निद्रा की अवस्था में हमारा बीएमआर 5 से 10% कम होता है। अगर हम व्रत और उपवास तथा भुखमरी की स्थिति की बात करें तो इसमें बीएमआर हमारा सामान्य की अपेक्षा कितना कम होता है, जो सामान्य की स्थिति होती है
खाए पिए की जो खाए पिए होते हैं तब की जो सामान की स्थिति होती है, उसके बाद जब अगर हम उपवास रखते हैं तो व्रत में वही व्रत उपवास और भुखमरी की स्थिति में हमारा 10-20% की हानि होती है, मतलब कम हो जाता है BMR, घट जाता है BMR, 10-20% कम हो जाता है। आगे है कि सामान्य स्थिति की अपेक्षा गर्भवती स्त्री के BMR में, सामान्य स्थिति की अपेक्षा गर्भवती स्त्री के BMR में 10-15% की वृद्धि होती है। अगर एक सामान्य महिला है और एक गर्भवती महिला है, इन दोनों में अगर कंपेरिजन किया जाए तो BMR क्या होता है, सामान्य की स्थिति में और गर्भवती की स्थिति में जो होता है BMR 10-15% का वृद्धि पाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूख केंद्र कहाँ उपस्थित होता है, तो हमारे मस्तिष्क में भूख केंद्र उपस्थित होता है, कहाँ पे, मस्तिष्क में। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बताया गया कि अगर हम 200 किलो कैलोरी प्रति माह भोजन के रूप में ऊर्जा ग्रहण करते हैं, क्या कहा गया है कि 200 किलो कैलोरी प्रति माह भोजन के रूप में हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, अधिक ऊर्जा ले जाने के प्रतिमाह से क्या होता है कि एक माह में, प्रतिमाह मतलब हर माह में हमारा 1 किलो वजन बढ़ेगा, ठीक। अगर हम भोजन कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि हम भोजन के दौरान अगर 200 किलो कैलोरी हम प्रतिमाह के हिसाब से ऊर्जा इंटेक कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसमें हमारे एक माह में कितना किलो वजन बढ़ेगा, तो 1 किलो वजन बढ़ेगा। आगे है कि भोज्य पदार्थ का शारीरिक अगर मूल्य देखा जाए, ऊर्जा मूल्य, तो कार्बोज में कितना होता है, 4 किलो कैलोरी, क्या है, 4.0 किलो कैलोरी, यहाँ पे अगर कार्बोज में 4.4 कह सकते हैं किलो कैलोरी, और वसा में है 9 किलो कैलोरी और प्रोटीन में है 4 किलो कैलोरी, यह क्या है, हमारे भोज्य पदार्थ की शारीरिक ऊर्जा मूल्य यहाँ पे बताया गया है, क्या है, शारीरिक ऊर्जा मूल्य बताया गया है। आज के लिए इतना ही, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।